गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के इस क्लास में हम वैश्वीकरण के संदर्भ में जो कल चर्चा करके आए थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि वैश्वीकरण संचार तकनीक और परिवहन के आधार पर एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पूरा विश्व सिमट कर एक ग्लोबल मंच पर एकत्रित हो गया है। कल हम लोगों ने अमेजोन का उदाहरण देकर देखा, फ्लिपकार्ट का उदाहरण भी दे सकते हैं कि किस तरह हम व्यापार को नया आयाम देते हैं। अब मैं इस संदर्भ में एक पीडीएफ के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह वैश्वीकरण को अलग अलग विद्वानों ने प्रस्तुत किया है, उसकी कुछ संगठित व्याख्याएं क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी समरी के रूप में हम समझें कि सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर वैश्वीकरण को उत्तर आधुनिकता की उन्नत दशा के नाम से जान सकते हैं। तो आप सभी लिख लीजिए, वैश्वीकरण को उत्तर आधुनिकता की उन्नत दशा कहा जाता है। यह आपके नोटबुक में कथन होना चाहिए, वैश्वीकरण को उत्तर आधुनिकता की उन्नत दशा का नाम कहा जाता है। नेक्स्ट, जब किसी समाज में जब हम प्रौद्योगिक विकास के साथ साथ नगरीकरण, सामाजिक गतिशीलता, स्थान परिवर्तन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तार्किक जीवन और व्यवहार संबंधी परिवर्तन का महत्व जब बढ़ने लगता है तो उस दशा को हम आधुनिकता कहते हैं। तो आप स्टार बना के लिख लीजिए आधुनिकता का अर्थ, क्योंकि कई बार अक्सर न्यू टाइम में पूछ लिया जाता है कि आधुनिकता किसे कहते हैं। तो आप नोट करें आधुनिकता का अर्थ, इसमें लिखें किसी भी समाज में जब तकनीक का विकास होने लगता है, नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, सामाजिक गतिशीलता के साथ व्यवहार संबंधी परिवर्तन होने लगते हैं, इसे आधुनिकता कहते हैं। ठीक है, अब जो आधुनिकता की बात करते हैं तो इस आधुनिकता में एक नई अवधारणा और आ गई है जिसके अंदर हम पूरे विश्व को प्रति एक व्यवहारिक दृष्टिकोण विकसित करने में लगे हुए हैं। यानी एक विश्व जो है उसके एक व्यवहारिक दृष्टिकोण की हम बात करते हैं। इसमें जो नया चेंज आया इसको नाम दिया विद्वानों ने उत्तर आधुनिकता। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि भाई हम पढ़ तो वैश्वीकरण रहे हैं, फिर ये उत्तर आधुनिकता आधुनिकता क्यों आ रही है? तो आपको ये समझना पड़ेगा एक सूत्र के रूप में। आप लिख सकते हैं वैश्वीकरण बराबर आधुनिकता प्लस उत्तर आधुनिकता। यानी आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता जब मिल जाती है तो वैश्वीकरण की प्रवृत्ति को एक नई दिशा और दशा प्राप्त होती है। ठीक है, विश्व के प्रति जब हम व्यवहारिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि उत्तर आधुनिकता है। तो आप इसको भी एक सूत्र में लिख लीजिए, उत्तर आधुनिकता बराबर, एक सूत्र बना लीजिए, उत्तर आधुनिकता बराबर आधुनिकता प्लस व्यवहारिक पक्ष। सूत्र हमारा बनेगा उत्तर आधुनिकता बराबर आधुनिकता प्लस व्यवहारिक पक्ष। यानी जब हम विश्व के प्रति व्यवहारिक पक्ष को आधुनिकता के साथ जोड़ देते हैं तो यही उत्तर आधुनिकता बन जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो अवधारणा है इसका विभिन्न देशों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक जो रूप है वो स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इस दशा को हम वैश्वीकरण के रूप में समझ सकते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि वैश्वीकरण एक स्वाभाविक और ऐच्छिक प्रक्रिया है, यानी अपने आप होने वाली और ऐच्छिक अपनी इच्छा से गतिशील होने वाली प्रक्रिया है। इसे संपन्न और शक्तिशाली देशों के द्वारा एक दूसरे पर थोपा नहीं जा सकता। ये नहीं कि साहब अमेरिका और रूस किसी जगह वैश्वीकरण को थोप देंगे, ये अपने आप स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। सांस्कृतिक आधार पर दुनिया में होने वाली संचार की क्रांति ने पूरे विश्व के बीच में दूरियों को समाप्त कर दिया है। आज हम इंटरनेट की बात करें, फैक्स की बात करें या मोबाइल की बात करें तो कुछ ही पलों में
हम विश्व से कोई भी संदेश या सूचना को प्राप्त भी कर सकते हैं और उसको हम भेज भी सकते हैं। टेलीविजन की सहायता से पूरे विश्व में घटित होने वाली घटनाओं को उसी रूप में लाइव देखा सुना जा सकता है जिस तरह गांव के लोग, पड़ोसी लोग, नातेदार सामने देखकर बातचीत करते हैं, वैसे ही हम ऑनलाइन कॉलिंग के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर पड़ोसी नातेदार एक दूसरे से मिला हुआ है। मीडिया की सहायता से हम पूरे विश्व को समझने लगे हैं, जानने लगे हैं। और कल भी हम जो चर्चा कर रहे थे, मैकलुहान ने कहा है कि पूरा विश्व आज एक ग्लोबल विलेज बन गया है, यानी यही कोटेशन आ जाएगी। मैकलुहान ने कहा है कि पूरा विश्व आज विश्व गांव के रूप में बदल गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए किस विद्वान ने कहा कि आज पूरा विश्व एक विश्व गांव के रूप में बदल गया है, मैकलुहान। अब हम बात करेंगे इसकी कुछ विशिष्ट विद्वानों के द्वारा जो व्याख्या की गई है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, एक विद्वान है के ओहेम, आप आराम से इसको उतार लीजिए, के ओहेम। ओहेम की स्पेलिंग है ओ एच ए एम ई, के ओहेम। अब ये क्या कहते हैं पहले आप समझे। वैश्वीकरण इतिहास के एक नए कालखंड से संबंधित वह अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है जो सीमा रहित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक व्यवहारों को नया रूप देकर संबंधों की एक जटिल व्यवस्था का निर्माण करती है। इस कथन के द्वारा उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारण इस प्रकार से किया जाता है कि किसी भी देश को केंद्र और परिधि की स्थिति में न रखा जाए। अब देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, आप इसको मेरी भाषा में सरल रूप में लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए के ओ एम और नंबर एक पॉइंट डाल के लिखिए कि वैश्वीकरण एक अपरिवर्तनशील प्रक्रिया है। वैश्वीकरण एक अपरिवर्तनशील प्रक्रिया है। नंबर दो, इसमें सीमा रहित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जाता है। नंबर दो, सीमा रहित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जाता है। नंबर तीन, इस प्रक्रिया में राजनीतिक तथा सांस्कृतिक व्यवहारों को, दोबारा बोल रहा हूं, इस प्रक्रिया में राजनीतिक तथा सांस्कृतिक व्यवहारों को नया रूप देकर जटिल व्यवस्था बनाई जाती है। नया रूप देकर जटिल व्यवस्था बनाई जाती है। ये हो गया के ओएम का। अब हम बात कर रहे हैं थॉमस इरिक्सन नामक विद्वान क्या कहते हैं, इसको आप ढंग से लिख लीजिए, मैंने बड़ा स्क्रीन पे बड़ा कर दिया है। थॉमस इरिक्सन ये कहते हैं कि वैश्वीकरण को बिल्कुल भिन्न अर्थ में परिभाषित करते हुए ये कहते हैं कि वैश्वीकरण का तात्पर्य आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में विश्व के विभिन्न देशों के बीच पूर्ण एकीकरण से नहीं है, बल्कि यह वह प्रक्रिया है जो विभिन्न क्षेत्रों में पहले की तुलना में व्यवहारों की नीतियों की भिन्नता को स्पष्ट करती है। इसका मतलब होगा इरिक्सन जो है ये कहना चाहते हैं कि वैश्वीकरण का मतलब कोई एकीकरण नहीं है, बल्कि यह तो वह प्रक्रिया है जो विभिन्न क्षेत्रों पहले की तुलना में व्यवहार और नीतियों की भिन्नता को स्पष्ट करती है। तो आप इरिक्सन के आगे लिख लीजिए, इस प्रक्रिया में पहले की तुलना में व्यवहार और नीतियों में भिन्नता स्पष्ट की जाती है। व्यवहार और नीतियों में भिन्नता स्पष्ट की जाती है। ब्रैकेट बना के लिख लीजिए, यहां इसका अर्थ एकीकरण के साथ नहीं है। यहां इसका अर्थ एकीकरण के साथ नहीं है। तो ये थॉमस इरिक्सन का विचार हो जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रमुख विद्वान एंथोनी गिडेंस, आप इसको ढंग से उतार लीजिए, मैंने स्क्रीन पे बड़ा किया हुआ है, एंथोनी गिडेंस। एंथोनी गिडेंस का पहले आप समझे, विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर, विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर
स्थापित होने वाले आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संबंधों की वृद्धि तथा उनके आधार पर बढ़ती हुई जो पारस्परिक निर्भरता की दशा है वही वैश्वीकरण है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो अलग अलग देश हैं उनकी जो राष्ट्रीय सीमाएं बनी हुई है उनमें स्थापित होने वाले इकोनॉमिकल रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन और कल्चरल जो संबंध है उनमें वृद्धि के आधार पर जो अंतर्निर्भरता बढ़ रही है वही वैश्वीकरण है। देखो आज विश्व स्वास्थ्य संगठन की मीटिंग अगर बीजिंग में होती है तो पूरे देश के लोग, जितने भी 182 या 90 देशों की सूची है, वो लोग वहां जाकर WHO के स्टेटमेंट पे निगाह रखते हैं कहीं कोविड के चक्कर में कोई नई बात तो नहीं बोल रहा है। तो यानी एक हमारी निर्भरता है WHO के ऊपर। ऐसे ही कल्चर बेस पर कोई लिटरेचर फेस्टिवल अमेरिका में हो रहा हो तो सारे देश के लोग वहां पर जाते हैं। अब आप इसे लिखें गिडेंस का कि वैश्वीकरण के अंतर्गत आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक आधार पर परस्पर निर्भरता स्थापित की जाती है, तो गिडेंस का एक सेंटेंस आपको याद रखना है कि इसमें आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संबंधों में वृद्धि होगी और परस्पर निर्भरता होगी। अब हम बात करते हैं प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, इन्होंने किताब लिखी है, आप योगेंद्र सिंह के साथ डैश करके किताब का नाम लिख लीजिए, हिंदी में तो है भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन और इंग्लिश में कहेंगे कल्चरल चेंज इन इंडिया, भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन, बुक का नाम हो गया। अब ये क्या कहते हैं, वैश्वीकरण आर्थिक, सांस्कृतिक तथा संस्थागत शक्तियों का विश्व के विभिन्न देशों के बीच होने वाला एकीकरण है जिसने व्यापार, बैंकिंग की परंपरागत प्रकृति, जीवन विधि तथा समय के उपयोग में क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। देखिए इन्होंने जो सांस्कृतिक परिवर्तन पर किताब लिखी उसमें स्पष्ट कर दिया कि ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण जो होता है यह आर्थिक, सांस्कृतिक, संस्थागत शक्तियों का विश्व के विभिन्न देशों के बीच होने वाला एकीकरण है। यानी आज अमेरिका, जिम्बाब्वे और भारत, चीन की मैं तुलना कर रहा हूं, अमेरिका चाहे कितनी तरक्की कर रहा हो, कितने टेक्नोलॉजी बढ़ रहा हो, वही सेम टेक्नोलॉजी इंडिया में भी है। इंडिया में टेलीकॉम के नाम पर पहले 2G था, 3G था, 4G था, 5G आ गया। हो सकता है अमेरिका में वो चीज साल भर पहले आ गई हो, लेकिन लेट सवेर आ तो हमारे भी आ रही है। जिम्बाब्वे गरीब राष्ट्र है, वहां की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, लेकिन वहां पे भी 4G और 5G काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एकीकृत दशा बन गई, क्योंकि विश्व की तकनीक का हमने आदान प्रदान किया है और वैश्वीकरण ने आर्थिक, सांस्कृतिक और संस्थागत शक्तियों के बीच में एक एकीकरण किया। इससे क्या हुआ, हमारे व्यापार करने के तरीके बदल गए, बैंकिंग करने की परंपरागत प्रकृति बदल गई और जीवन विधि और समय का उपयोग करने का क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। इसको समझिए कैसे, आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, दिल्ली के अंदर एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है, उसमें आप एंटर कीजिए, अगर उसमें आपका अकाउंट भी नहीं है तो वहां एक ऐसी मशीन लगी है कि आप जब जाएंगे तो आपकी फोटो खींच जाएगी, आप आगे जाएंगे अपना थंब इंप्रेशन वहां डालेंगे, अंगूठे का निशान, तो वो सारी आधार कार्ड लिंक होने के कारण सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी और विद इन 2 मिनट्स जब आप बैंक के दूसरे गेट से निकलेंगे तो आपके हाथ में आपका अकाउंट नंबर, आपकी पासबुक, आपका ATM कार्ड होगा, जीरो बैलेंस, अगर वो आपने पैसा जमा करा दिया है तो आपका पैसा भी उसमें जमा हो जाएगा। कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, यानी बैंकिंग पे जहां पहले लेन देन होता था, घंटों भीड़ में खड़े रहते थे, आज हम ऑनलाइन जमाने में वैश्वीकरण के कारण नई प्रकार की प्रकृति का बैंक देख रहे हैं। इसके अलावा बिजनेस, ऑनलाइन पेमेंट, कहीं से भी वस्तु खरीदना, बिजनेस के नए तरीके, इन सब में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, इनके बारे में योगेंद्र सिंह ने बताया। अब
एक नए विद्वान है जिनका नाम है मार्टिन एल्ब्रू। आप आराम से उतार लीजिए, MARTIN मार्टिन ALBROW एल्ब्रू। अब ये क्या कहते हैं, इनके शब्दों में, वे सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा संसार के विभिन्न देश तथा समुदाय एक विश्व समाज का हिस्सा बन रहे हैं, इसी संपूर्णता को हम वैश्वीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। कैसे लिखेंगे, द प्रोसेस, कौन सी प्रक्रिया जिसने संसार के विभिन्न देशों और समुदायों का एक विश्व समाज बन रहा है, उसका वो हिस्सा बन रहे हैं, ये जो संपूर्णता है यही वैश्वीकरण है। तो आप इसको सूत्र के रूप में लिख लीजिए, मार्टिन एल्ब्रू बराबर प्रक्रिया प्लस विश्व समाज का निर्माण। प्रक्रियाएं प्लस विश्व समाज का निर्माण प्लस संपूर्णता, डेट इज वैश्वीकरण। मार्टिन एल्ब्रू डैश करके लिख लीजिए, प्रक्रियाएं उसके साथ जुड़ा है विश्व समाज का हिस्सा प्लस संपूर्णता बराबर वैश्वीकरण। यानी अलग अलग जो राष्ट्र हैं वो हमारे विश्व समाज का हिस्सा बन रहे हैं, इस संपूर्णता को हम वैश्वीकरण कह सकते हैं। अब नेक्स्ट बिंदु के रूप में हम वैश्वीकरण की कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। पहले मैं पॉइंट आउट कर देता हूं, पूंजी एवं सेवाओं का मुक्त प्रवाह, संचार पर आधारित संबंधों का विस्तार, सार्वभौमिकीकरण, तकनीकी योग्यता और कुशलता की गुणवत्ता, और नेक्स्ट है समीपता, एकीकरण, सजातीयता, ये इसके और शक्ति का केंद्रीकरण, ये कुछ इसकी सामान्य विशेषताएं हैं। अब हम एक एक पर थोड़ी चर्चा करते हैं। वैश्वीकरण की पहली विशेषता है, पहले मैं आपको समझा रहा हूं फिर लिखवाऊंगा। देखिए वैश्वीकरण में कुछ ऐसी विशेषताओं का समावेश है जो इस प्रक्रिया से संबंधित विशेष लक्षणों एवं क्षमताओं को पोटेंशियल को स्पष्ट करती है। विभिन्न लेखकों ने इसकी विशेषताओं को पॉइंट आउट किया है। नंबर एक है पूंजी एवं सेवाओं का मुक्त प्रवाह, फ्री करंट ऑफ कैपिटल एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या है, इस प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न देशों के बीच पूंजी के विनियोजन, वस्तुओं के आयात निर्यात, विभिन्न प्रकार की सेवाएं, श्रम, प्रौद्योगिकी के बीच में स्वतंत्र आदान प्रदान करने पर बल मिलता है। इसका उद्देश्य है एक और सभी देश प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अपने उत्पाद सेवाओं को बेचें और अपनी गुणवत्ता में सुधार करें, तो दूसरी ओर विकसित देशों की पूंजी का विकासशील एवं अल्प विकसित देशों में विनियोजन होने के कारण आर्थिक स्तर में सुधार की संभावना को बढ़ाना है। अब आप पहला पॉइंट लिख लीजिए, वैश्वीकरण के माध्यम से विभिन्न देशों के मध्य पूंजी का विनियोजन होता है। वैश्वीकरण के माध्यम से विभिन्न देशों के मध्य पूंजी का विनियोजन होता है तथा सभी राष्ट्रों के मध्य आयात निर्यात के माध्यम से सेवाओं का स्वतंत्र आदान प्रदान किया जाता है। तथा इसका उद्देश्य है
वैश्वीकरण के आधार पर विकसित हुआ है, वैश्वीकरण के आधार पर विकसित हुआ है। देखिए, संचार पर आधारित जो संबंध बने, ये जो संबंध है कहीं ना कहीं वैश्वीकृत दशाओं में एक नई प्रकार की सार्वभौमिकता को जन्म दे रहे हैं। अगली विशेषता के रूप में आप लिख सकते हैं कि वैश्वीकरण के माध्यम से मानव की वृद्धि हुई है, कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि हुई है। अगले बिंदु के रूप में वैश्वीकरण अब कुछ देशों का ही सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व पर इसका बराबर का अधिकार है, संपूर्ण विश्व पर इसका बराबर का अधिकार है।